Assalamualaikum, welcome to my channel. आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है बिल्कुल जुबैर किचन में। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू मछली कड़ी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले, वो भी फ्री में। चलें स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आलू मछली बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 किलो रेहू मछली, जिसमें पीसेस है और एक दुम है और एक सर लिया है मैंने। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट। ये सारी चीज़ें मैंने ड्राई मसालों में मछली के ऊपर से शामिल की हैं ताकि हम इसे जल्दी से मसाले लगा के 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें, क्योंकि जितने देर आपकी मछली में मसाले अच्छी तरह ऑब्जर्व होते हैं उतने ही ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। आप इसे इस तरह से मसाले लगाकर भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को सिखा रही हूँ कड़ी। तो आज हम देखते हैं कि आलू मछली कड़ी आप कैसे बना सकते हैं। तो आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है अपने हाथों की मदद से, क्योंकि मछली में मसाले हाथ से ही बेहतर तरीके से लगते हैं। तो ये हमारे लग गए, अब आप इसे मैरिनेट कर दें 1 आवर के लिए। ये बॉयल प्याज लिए हैं मैंने 5 अदद मीडियम साइज़ के, जिन्हें रफली चॉप करके बॉईल कर लिए और इसे शामिल कर दिया ब्लेंडर जग में। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 अदद मोटी मिर्चें और 2 अदद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रफली चॉप्ड टमाटर। और अब मैं इसे अच्छी तरह से कर लूँगी ब्लेंड, और ब्लेंड करके आपने इसका एक मिक्सचर रेडी कर लेना है। ये मसाले रेडी हैं, अब हम चलते हैं अपने सॉस पैन की तरफ। मैंने सॉस पैन में शामिल किया है 1 कप ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हमने कर दिए ये ब्लेंड किए हुए मसाले, और शामिल किया 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टीस्पून मछली मसाला पाउडर। आप मछली मसाला पाउडर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब हमने करना है मसालों की अच्छी तरह से भुनाई। मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटे हुए आलू लंबे स्लाइसेस पे। 5 अदद आलू लिए मैंने और जिनको लंबे स्लाइसेस में मैंने कट किया है। आप देख सकते हैं मसाला भुनने के बाद मैं इसे शामिल कर रही हूँ, और इसे शामिल करने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसे मिक्स करना है, और 5 मिनट के लिए आपने मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देना है ताकि मसाले आलू में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएँ। अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, 5 मिनट हमने आलूओं को भुनना है मसाले में। 5 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 गिलास पानी, क्योंकि हम आलू मछली कड़ी बना रहे हैं तो आलू मछली कड़ी शोरबे वाली होती है, तो आपने इसमें 4 गिलास पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसे पकाएंगे 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर। और जब तक हमारी कड़ी तैयार हो रही है, अब हम कर रहे हैं मैरिनेट किए हुए मछली को फ्राई। 1 घंटे के बाद मैंने फिश को किया है फ्राई, आप देख सकते हैं। मैं इसे फ्राई कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पे और मीडियम गरम ऑयल में। मीडियम फ्लेम पे और मीडियम गरम ऑयल में आपने सारे फिशेस को फ्राई करना है बहुत ही अच्छे से। देखें, सारी फिशेस मैंने फ्राई कर ली है, और 20 मिनट के बाद आलू कड़ी रेडी है। फिशेस आलू कड़ी रेडी है, तो मैंने इसके ऊपर से डाल दी है मछलियाँ। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के सामने रेडी है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह से आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे फीडबैक दें कमेंट में कि आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और आई रिकमेंड यू कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चलें, अल्लाह हाफिज़।